रात में नींद ना आना आजकल लोगों की बहुत बड़ी परेशानी बनती जा रही है। हम सभी जानते हैं कि नींद हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हम रात में सही से नींद नहीं ले पाते हैं तो हमारा पूरा दिन आलस में बर्बाद चला जाता है। रात में नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बिजी शेड्यूल, ऑफिस में काम का प्रेशर, फैमिली का टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बैक में पेन होने पर भी नींद नहीं आती। लेकिन अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। यह किसी बीमारी या डिप्रेशन का सिम्टम भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ज़्यादातर डॉक्टर नींद लाने के लिए अल्प्राजोलम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आज हम जानेंगे एल्प्रेक्स 0.5 टैबलेट के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कितनी देर में इसका असर होता है, कब तक इसका असर रहता है, इसे लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसे लेने का सही तरीका क्या है और इसके मोड ऑफ एक्शन। तो आज हम जानते हैं एल्प्रेक्स 0.5 टैबलेट के बारे में। इस मेडिसिन को टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसके एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स होते हैं जिसका प्राइस मात्र 46 रुपीस है। एल्प्रेक्स में जो मेन केमिकल है वह है एल्प्राजोलम जिसका स्ट्रेंथ 0.5 मिलीग्राम है। इस मेडिसिन को आप किसी भी केमिस्ट के शॉप से ले सकते हैं और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इस मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता है, इसलिए इस मेडिसिन को लेने के लिए आपको डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इसे नहीं ले सकते। इस मेडिसिन को खाने के बाद आपको इसका असर 15 मिनट में दिखने लगेगा और इसका एक टैबलेट पूरी रात नींद के लिए काफ़ी है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसे लेने के बाद आपको दिन भर नींद आने जैसा फील हो सकता है, आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, थकावट महसूस भी हो सकता है। अगर आप इस दवा का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी, जैसे कि इस मेडिसिन को लेने के बाद आप गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं। इसे लेने से पहले या लेने के बाद अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अल्कोहल के कारण आपको और भी ज़्यादा नींद आ सकती है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी इस मेडिसिन को नहीं ले सकते और इस मेडिसिन को बच्चों के पहुँच से दूर रखें। अब बात करते हैं इसे लेने का सही तरीका क्या है। इस मेडिसिन को आप पानी के साथ ले सकते हैं खाना खाने के बाद रात में। कोशिश करें कि एक फिक्स टाइम पे लें। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे नॉर्मल और एबनॉर्मल नर्व्स होते हैं जिसके एक्सेसिव एक्टिविटी होने के कारण हमें नींद नहीं आती। एल्प्राजोलम क्या करता है कि हमारे ब्रेन में केमिकल मैसेंजर होता है गाबा, ये गाबा के एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है और गाबा एबनॉर्मल और नॉर्मल नर्व्स के एक्सेसिव एक्टिविटी को कम कर देता है जिसके कारण हमें नींद आने लगती है। डोज की बात करें तो इसका डोज डॉक्टर आपके हेल्थ कंडीशन को देखकर बता सकते हैं, इसलिए इस मेडिसिन को लेने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स बताता हूँ जिसको आप फॉलो करके नेचुरल नींद ला सकते हैं। सोने से पहले ऑयल से मसाज करने पर भी अच्छी नींद आती है। सोने से पहले आप बुक्स पढ़ सकते हैं क्योंकि बुक्स पढ़ने पर आपको धीरे धीरे नींद आने लगती है। म्यूजिक सुनने से भी नींद आती है। एक्सरसाइज और मेडिकेशन करने से भी आप अच्छी नींद ला सकते हैं। सोने से पहले हाथ पांव मुंह धोकर और साफ़ सुथरे बेड पर सोने से भी अच्छी नींद आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।